भावलोग आई डोंट नो मेकर्स ये जानबूझकर कर रहे हैं या फिर वो सच में इतने लापरवाह हो चुके हैं। एपिसोड 5 की बहुत सी फुटेज लीक हो चुकी है, खैर मैं उनको यहाँ रिवील तो नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे चैनल के लिए डेंजर हो सकता है, लेकिन मैं फुल एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि क्या क्या लीक हुआ है और एपिसोड 5 की स्टोरी अब कैसी होने वाली है ये भी पता चल जाएगा यहां से। तो स्पॉइलर अलर्ट बाबा, जिसे रुकना है वो रुक सकता है वरना एपिसोड 5 का मजा खराब हो सकता है आपका डेफिनेटली। तो बाबा शुरू करते हैं। पहला लीक फुटेज जहां रैंडल को ये लोग घर के अंदर लेकर आ चुके हैं, जो लास्ट में हमें एम्बुलेंस के ऊपर अधमरा दिखता है, वह बहुत बड़ा मिस्ट्री पार्ट था ये, क्योंकि बहुत थ्योरी यहां बन रही थी कहीं जॉम्बी तो नहीं बना दिया, कन्वर्ट तो नहीं कर दिया, लेकिन मेकर इस पार्ट को जरा भी नहीं बचा पाए। बाकी की अगर फुटेज के हिसाब से देखें, जहां सब लोग बैठे हैं टैबिथा से, जहां बातचीत चल रही है एक जगह सारे लोग, तो रैंडल अभी इतना थ्रेट साबित नहीं हुआ है शायद उस रात के लिए जिस रात को ये लोग अंदर लेके आ गए। लेकिन मेरा यकीन है कि ये बंदा कन्वर्ट जरूर होगा, क्योंकि क्रिएचर को मारने की वजह अधमरा कर छोड़ के गए हैं। वो क्रिएचर जो अभी तक सभी को मार दे रहे थे, बजाय भला इसको ही क्यों छोड़ा। बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है ये, घर के गेट तक, ऊपर से घर के गेट तक छोड़ के गए। ऑब्वियसली कुछ तो धमाका करेगा और क्रिएचर्स के लिए काम भी करेगा, जो अंदर से लूप होल निकालेगा उनको तोड़ने के लिए। देखते बाबू मेकर और क्या सॉलिड पार्ट छुपा के बैठे हैं रैंडल का, एपिसोड 5 में पता चल जाएगा। दूसरा, विक्टर और उसके बाप का रियूनियन हो चुका है, जहां विक्टर का पहला यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसका बाप इस टाउन पर आ चुका है। इसी के साथ साथ विक्टर को अपने बाप से बहुत सी शिकायतें भी हैं कि भला कौन बाप होगा जो अपनी फैमिली को ऐसे छोड़ सकता है इतना केयरलेसली, जिसकी होश खबर भी ना हो। सैड एंड इमोशनल मोमेंट होने वाला है ये, और मेकर इस पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस जगह को डिकोड करने के लिए आगे सेफ रखने वाले हैं। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस पार्ट कि कुछ तो यहाँ पर भी बड़ा मिलने वाला है। दूसरा, फातिमा एंड एलिस का पार्ट भी लीक हुआ है, जिसमें फातिमा एलिस को समझाने की कोशिश कर रही कि आई एम नॉट बिहेविंग लाइक ह्यूमन, ये जो पेट में बेबी है ये नॉर्मल नहीं है, ये मुझे इफेक्ट कर रहा है। और उसने नीचे वो सड़ी गंदी वेजिटेबल्स भी दिखाई जा रही हैं, जो शायद एलिस ने उसे खाते हुए देख लिया होगा और उनके बीच ही आर्ग्यूमेंट चल रहा होगा। लेकिन फातिमा का पार्ट बाबा बहुत क्रूशियल होने वाला है, या तो ये इवॉल्व होगी या उससे पहले ही इसे अबॉर्शन कराना पड़ेगा, बट अभी टाइम बहुत हो चुका है तो अबॉर्शन तो मुश्किल है ही नहीं, तो ये बुरे थ्रेट पर फंसते ही जा रही है। और वाकई में ये सही भी नहीं है, वरना चार टाउन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ थ्रेट ही थ्रेट मिलने वाले हैं, अंदरूनी थ्रेट, जहां रैंडल तो आ ही चुका है, भाई फातिमा भी अंदरूनी थ्रेट बन सकती है लाइक जॉम्बी वगैरह वगैरह। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टैबिथा का वापस टाउन में आना, और सब हैरान है जहां लीक फुटेज में एक जगह टाउन वालों के साथ बहस भी हो रही है, सारे लोग एक साथ बैठे हैं कि आखिर तुमने किसी को बताया क्यों नहीं, जब तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, तुम बाहर थे तो तुम इस टाउन के बारे में, इस जगह के बारे में बता सकते थे। बट टैबिथा एक्सप्लेन कर रही है कि कोई मेरा यकीन नहीं करता डेफिनेटली, क्योंकि ऐसी जगह कोई है ही नहीं रियल वर्ल्ड पर, और बजाय उसको सुनने के वो उसे साइकोपैथ या मैड या फिर पागल ही समझते, जो उसे शायद कैद भी कर सकते थे। तो देखते बाबा, लेकिन टैबिथा का वापस आना, इस टाउन से बाहर निकलने का रास्ता भी साथ लाना है। और एक फुटेज में दिखाया भी है उसी पेड़ पर जहां पर टैबिथा लाइट हाउस पर गई थी और वहां से कैमडन को निकली थी, यानी बाहर वर्ल्ड में, तो वहां जेड और टैबिथा एक साथ दिख रहे हैं। तो ये लोग यहां पर निकल गए हैं, वो तो एपिसोड 5 में ही पता चलेगा कि सारे लोग निकले हैं या फिर यही दोनों निकले हैं, और यहां से ये लोग बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। दूसरा, सभी बस टैबिथा को लास्ट होप बनाकर बैठे पड़े हैं, बस उससे रास्ता पूछ रहे हैं और एक जगह रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि बस यहां से निकालो कुछ भी करके। एक फुटेज में टैबिथा और जिम की कॉन्वर्सेशन भी दिखी है, जहां वो उसे एक्सप्लेन कर रही है कि हम, सॉरी, जिम एक्सप्लेन कर रहा है कि हम तो सोच रहे थे कि तुम मर ही चुके हो, और ये कॉन्वर्सेशन उस इंसिडेंट के बाद की लग रही है, शायद टैबिथा ने दोबारा से वहां जाने का निर्णय लिया हो, इतना थ्रेट होने के बावजूद, सारा कुछ पता होने के बावजूद। जो एक फुटेज में देखने को भी मिलता है, टैबिथा और जेड उस होल ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पर पहुंच भी चुके हैं, तो शायद जिम उसे मना भी कर रहा हो दोबारा से वही रिस्क लेने के लिए, क्योंकि भाई उसके बच्चे बहुत तड़प रहे थे अपनी मां के लिए, यानी टैबिथा के लिए, तो जिम मुझे नहीं लगता कि वो जाने ही देगा। तो बाबा देखते हैं एपिसोड 5 और क्या क्या हमारे लिए लेकर बैठा है, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ मिस्ट्री अभी भी छुपी हुई है, लाइक रैंडल क्या धमाका करने वाला है, क्योंकि रैंडल बाबा कन्वर्ट तो होने वाला है, और एक मोमेंट ऐसा लग भी रहा है कि वो अपना काम शुरू कर चुका है। फातिमा क्या हो सकता है, क्या वो भी कन्वर्ट होगी, डेफिनेटली हो जाएगी कन्वर्ट, तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट है, या फिर सारे लोग उस होल ट्री पर जाएंगे और यहां से इजीली निकल जाएंगे, और मान लिया चलो चले भी गए और वहां से निकल भी गए, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो कैमडन में ही जाए, यानी वही रियल वर्ल्ड में जाए जहां पर टैबिथा गई थी। हो सकता है ये डिसलोकेट जो टाइम वाला चल रहा है, डिसलोकेशन प्लेस बोल सकते हैं, तो मे बी इस टाउन की जगह वो ऐसी जगह पर जाकर फंस जाए जो इससे भी ज्यादा बुरी, भयानक और थ्रेटफुल हो। और एक पार्ट जहां बॉयड और पूरे टाउन के लोग सरप्राइज भी हो रहे हैं, वो अपने पूल और बास्केटबॉल कोर्ट जो भी था वहां, ऐसा क्या मिस्ट्री हो चुका है वहां पर, क्या रैंडल भाई वहां पर अपना काम शुरू कर चुका है, क्या रैंडल पूरा कन्वर्ट हो चुका है। तो देखते हैं बाबा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो एपिसोड 5 में हमें मिलने वाला है।
कल यानी 20th अक्टूबर को एपिसोड 5 आ जाएगा सुबह में ही, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि जो भी इसकी मिस्ट्री है, जो भी ये एपिसोड 5 मिस्ट्री छुपा के बैठा है, वो आपके सामने रिवील आउट कर दूँ और जल्द ही वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो और मिलके बातें करेंगे। बाकी आप लोगों का कितना एक्साइटमेंट है एपिसोड 5 के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। तो मजा लो भाई, यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसी गुत्थी हम सॉल्व आउट करने वाले हैं, बहुत सी ऐसी थ्योरीज जो हमें कल मिलेंगी और उस पर भी बातें करेंगे और सॉल्व करेंगे कि क्या आगे कहानी हो सकती है, डिकोड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।